पांच लोग होते हैं ना, चिंदापी आप भी आए, आ जाए ना। लूजर लूजर यार मैंने घेरा वो, यार नॉट लूजर यू आर चीटर्स। अरे ये क्या किया है रेयान? चलो हम भी आग जलाते हैं। क्यों तुमने बॉनफायर करनी है? नहीं नहीं हम सब हांडी हांडी खेलेंगे। आप बकाएंगे क्या? घास घास। शाबाश बच्चों, कल इसी तरह से अपना सबक ठीक ठीक याद करके सुनाना। ठीक है काई साहब, एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। अगर रात को सोते वक्त डर लग रहा हो तो क्या पढ़ना चाहिए? नहीं नहीं मुझे तो डर लगता ही नहीं है। बेटा अगर रात को आपको डर लगे तो आयतुल कुर्सी या चारों कुल में से कुछ पढ़ना चाहिए, और अगर आपको डर ना भी लग रहा हो वैसे भी आपको रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। जो इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है फरिश्ते सारी रात उसकी हिफाजत करते हैं, और घर से निकलते वक्त भी आपको आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। कारी साहब क्या जिन सचमुच होते हैं? जी बेटा, और कुछ जिन अच्छे भी होते हैं, जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे होते हैं, और जिन हमारी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। डरते क्यों है? बेटा कोई भी जिन आपको बिला वजह नहीं डराता, जब आप उनको डिस्टर्ब करते हैं तो वो आपको तंग करते हैं। बिल्कुल ये तो है, मैं जब सनी को डिस्टर्ब करती हूँ तो तंग तो होता है सनी। चलो बेटा शाम का वक्त हो रहा है, मैंने मगरिब पढ़नी है, मैं चलता हूँ। यानी जिन भूत को ज्यादा छेड़ो या डिस्टर्ब करो तो हमें डराते हैं। जिन बाबा आ जाए, जिन बाबा आ जाए, जिन बाबा आ जाए, कम ऑन कैच में जिन बाबा। सनी इधर आओ तुम्हें बताती हूँ मैं। सनी भाई मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। अल्लाह ताला जी आज चंदापी हमें हॉरर स्टोरी सुनाएंगी। मुझे हॉरर स्टोरी सुनने का शौक तो बहुत है लेकिन डर भी बहुत लगता है। काइट साहब ने कहा है कि जब डर लगे तो हमें आयतल कुर्सी पढ़ लेनी चाहिए। अब मुझे डर नहीं ना लगेगा। अल्लाह ताला जी मेरी दुआ है कि मुझे डर ना लगे, वरना सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? मैं नमाज पढ़ रही थी, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? काइट साहब आएंगे ना तो मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम्हें तो मौका चाहिए था शिकायत लगाने का, हम तो सिर्फ तुम्हारी दुआ सुनकर हंस रहे थे। कितनी डरपोक हो तुम। दुआ मांगना अच्छी बात है जी। मैंने कहा क्या बुरी बात है? अच्छी बात है लेकिन डरना अच्छी बात नहीं है। जी नहीं, अम्मी कहती हैं जो कहता है वही होता है। डरपोक डरपोक आना सबसे बड़ी डरपोक। सनी दानी। जी अम्मी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, सब आपको याद भी बहुत कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ, और बलि के बाबा ने भी आपको सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम पुप्पो। पुप्पो उमर कहाँ है, उसे बुलाए ना। बेटा उमर अभी सोया हुआ है, अभी मैं आपकी उसे कल बात कराऊंगी। हम उमर को बहुत मिस कर रहे हैं, आप लोग उसको लेकर क्यों नहीं आए? बेटा आई प्रॉमिस मैं अगली बार उमर को भी लेके आऊंगी साथ में। मिसबा भाभी और सदा भाभी कहाँ हैं? बहुत दिन हो गए उनसे बात ही नहीं हुई। पुप्पो अम्मी खाना बना रही हैं और चची जान और बुआ ऊपर होंगी, बुलाऊं? चलो वो मसरूफ होंगी, उनसे मैं कल बात कर लूंगी, उनको मेरा सलाम देना। चची जान सानिया पुप्पो स्काइप पर आप सबका पूछ रही हैं। मैंने मेकअप भी नहीं किया और बाल भी नहीं बनाए, हुलिया देखा है मेरा? वो तो यकीनन सेट होके बैठी होगी। अरे नहीं नहीं मैं तैयार होके आई। चची जान ऐसे ही आ जाएं। अरे नहीं मैं तैयार होके आई। बली अपना बहुत ख्याल रखना, बाय बाय। ओके मामा अल्लाह हाफिज। एक मिनट पुप्पो, पुप्पो ऑफलाइन हो गई।
तो फिर ये हुआ कि वो सारे दोस्त उस रेस्ट हाउस में गए। वहाँ खूब अंधेरा था और खामोशी और पहाड़ी इलाका था, खिजां का मौसम। वहाँ पर पत्तों के हिलने की आवाजें अलग, भेड़ियों की आवाज अलग। और उनके हाथ में बस एक टॉर्च थी, उसकी लाइट में वो सब अंदर गए। और उन्होंने अभी अपना सामान रखा था और अभी बैठे ही थे कि बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। शेरी, क्या हो गया बच्चों, ऐसे क्यों देख रहे हो? और 12 बज गए हैं, सोना नहीं है आप लोगों ने? फिर शोर करते हुए ऊपर आओगे और मेरी नींद खराब कर दोगे। चची जान, आज हमने सारी रात नहीं सोना, हम चंदापी से हॉरर स्टोरी सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और वो आवाज थी अम्मी की। चुप रहा शरी, इतनी मजेदार स्टोरी सुना रही थी, सारा टेम्पो तोड़ दिया। अच्छा बस क्या हो गया? अच्छा बच्चों खामोश, ये सच्ची कहानी है, इसको सुनने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। तो उन सारे दोस्तों में से एक दोस्त ने हिम्मत की और उसने कहा कि खिड़की के बाहर देखे क्या है। और वो उठा और दूसरे दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, आप भी, आप कहाँ जा रहे हैं? सस्पेंस क्रिएट करने के लिए और हॉरर फील देने के लिए चांद की रोशनी का होना जरूरी है। और बच्चों एक मिनट रुको, मैं जरा वॉशरूम से हूँ। यार शेरी, तुम वाकई स्टोरी का मजा खराब कर रहे हो। अब मैं वॉशरूम भी ना जाऊं? यार तुमने तो डिस्टर्ब ही करना है। हाँ, मुझे वैसे भी नींद आ रही है, मैं चला सोने। गुड नाइट। डरपोक कहीं का, यकीनन डर गया है लेकिन हमें फील नहीं कराना चाह रहा। सही बात है। आप ही, आप छोड़ो शेरी भाई को, अपनी कहानी को कंटिन्यू रखें। अच्छा और फिर क्या हुआ? उस दोस्त ने खिड़की के बाहर देखा, एक बड़ा सदियों ही कल खड़ा था, बड़े बड़े दांत बाहर निकाल खड़ा था दूर फासले पर और आहिस्ता आहिस्ता घर के करीब आ रहा था। और अब इस तरह उन पांच दोस्तों में से रह जाते हैं सिर्फ तीन। अब उनमें से किसी भी दोस्त की हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो घर से बाहर एक कदम भी निकाल सके। तीनों दोस्त इस शदीद सर्दी में भी पसीने में शराबूर हैं, खौफ से उनकी टांगें कांप रही हैं और वहां पर उनकी टॉर्च की सेल भी खत्म और मुकम्मल सन्नाटा और घुप अंधेरा हो गया था। क्या हो गया? लोड शेडिंग है, तुम लोग क्यों डर रहे हो? लेकिन आप ही, लाइट तो सवा एक बजे जाती है। देखा, आ गई, गलती से गई थी। मैं तो बैठने लगा। खामोश, अब एंड होने वाला है, खामोशी से सुन। चंदापी रुके, वहां से कोई गुजरे। वली आपका वहम है, इस टाइम बाहर कौन होगा? कोई नहीं है। और वो आवाज थी, एक मिनट चंदापी, कोई गुजरा है, मैंने खुद देखा है। देखा देखा, कहां सुना मैंने? कोई भी नहीं है। ओहो आईमा, खामोश, सब सो रहे हैं, हमें डांट पड़ जाएगी, खामोश। और फिर वो तीनों दोस्तों ने दरवाजे के आगे बहुत सारी चीजें रखी ताकि देवर अंदर दाखिल ना हो सके। और वो बेचारे दोस्त भूखे प्यासे खौफ से जैसे उनके जिस्म का खून ही खुश्क हो चुका हो। बहुत अच्छा हुआ उनके साथ, वो बैठे वहां पे अंदर। वो देखे,
अच्छा खामोश, मैं देखती हूँ। खामोश। मैं उधर से देखती हूँ। खामोश, शोर नहीं करना। क्या कर रहे थे तुम? चंदा आपने हमें हॉरर स्टोरी सुना रही थी, तो मुझे मैं सोने के बहाने से आ गया और मैंने इन सबको डरा दिया। बस आप लोग डर गए थे? जी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मारो। ये बताओ बैग को उर्दू में क्या कहते हैं? ये कैसा सवाल हुआ? बैग को उर्दू में भी बैग कहते हैं। बैग को उर्दू में बस्ता कहते हैं। तुम कनाडा से आए हो? कराची से। मैं तो थक गया। मुझे इसलिए थके हो क्योंकि तुम लोगों को बाहर खेलने की आदत नहीं है, वो कमरे में बंद रहते हैं। वैसे क्रिकेट ज्यादा अच्छी है या फुटबॉल? दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज फुटबॉल खेलने से ज्यादा अच्छी है। यार एक तो तुम्हारी एडवाइस से बोल रही हूं। प्लीज यार बड़ा शुरू मत हो जाना। और यार आज तो मैं इतना थक गया हूं कि मेरा चीज बर्गर खाने का दिल कर रहा है। चीज बर्गर का और थकने का एक दूसरे से क्या ताल्लुक? वैसे मुझे पनीर बहुत अच्छी लगती है। पनीर? ये क्या होता है? पनीर का नहीं पता। अरे चीज को उर्दू में पनीर कहते हैं। ओ हाँ, मुझे पता था, बस याद नहीं आया था। यार तुम लोगों की तो उर्दू बहुत खराब है। लो जी एक और लेक्चर शुरू। अच्छा ये बताओ ब्रेड को उर्दू में क्या कहते हैं? सनी तुम बताओ। ब्रेड इज ब्रेड। ये तो सबसे आसान सवाल था। ब्रेड को उर्दू में डबल रोटी कहते हैं। वाओ। तुम कनाडा से आए हो? कराची से। अम्मी कहती है कराची वालों की उर्दू बहुत अच्छी होती है। अबू कहते हैं कि इंग्लिश आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश से ज्यादा हमें उर्दू पूरी मुकम्मल आनी चाहिए। उर्दू हमारी कौमी जुबान है। ठीक है आदाब अर्ज़। इसी क्या हुआ?
चलो आओ खेलें। चल। अभी ना हो तो ना हो। अब खुद हार गए तो ज्यादा ही शोखा हो गया, सड़ गया। एनीवेज आई एम द विनर, अब नया मैच शुरू करो। चल यार बस, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ओ हाँ यार, पढ़ना तो मैंने भी है, तुम मिलकर पढ़ लेंगे ना। और तुम्हें पता भी है ये वीडियो गेम्स खेलने के कितने फायदे हैं? कैसे? तुम्हें नहीं पता, पिछले दिनों 17 इयर्स पाकिस्तानी बच्चे सोमेल ने हाईएस्ट अर्निंग गेम अवार्ड कायम किया। वाकई? जी, और इसके साथ साथ टाइम्स मैगजीन ने उसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीनेजर इन द वर्ल्ड 2016 का खिताब भी दिया है। वाह, फिर तो उसे मिलना पड़ेगा। हाँ, और वैसे हमें ये बात ना अम्मी और ताइमे के सामने करनी चाहिए थी। तोड़ क्या, चल यार अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। और वो सुमेल भी तो पढ़ता ही होगा ना, अब हर टाइम खेलता तो नहीं ना होगा। जी जी, पढ़ता ही होगा। चलो अब पढ़ लेते हैं। ये बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, दोपहर के खाने पे भी नहीं आए। शेरी भाई, मेरे बाजू फंस गए, मुझे कोई तो निकाले। अगर अम्मी को पता चल गया तो वो जाएगी नहीं।